So hi guys, welcome back to my channel. In today's video, मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, इससे कोई related नहीं, बस ऐसे background को करने के लिए रखा हुआ है, इससे कोई related नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पूरे पिछले video मैंने यहाँ रखा हुआ था नारी पिस्टल्स को, तो इससे कोई related नहीं है। मैं आज आपको बोलने जा रहा हूँ कि मैं कौन से blending के सामान यूज करता हूँ और आप लोगों के लिए और बिगिनर्स के लिए कौन से ब्लेंडिंग के टूल बेस्ट होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्टेड। सो आप लोगों को पता होगा ब्लेंडिंग के बहुत ज्यादा टूल्स आते हैं, मतलब ब्लेंडिंग स्टम बहुत सारे, तो आर्टिस्ट तो ऐसे ब्लेंडिंग स्टम यूज करते हैं, लेकिन मैं क्या क्या यूज करता हूँ और स्पेशल हर चीज में कहाँ कहाँ मैं कैसे यूज करता हूँ, सब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा ब्लेंडिंग स्टम। सो ब्लेंडिंग स्टम एक स्टम्प होता है जो पेपर से बना रहता है, मतलब हैंडमेड पेपर, ऐसा कुछ भी पेपर जिससे हम लोग अपने ड्राइंग को एक टाइप का बिल्कुल स्मूथ फिनिश लुक दे सकते हैं, और वो दिखने में होते हैं कुछ ऐसे। तो आप ऐसे देख सकते हैं व्हाइट कलर के ब्लेंडिंग स्टम में, पर डर्वेंट के आपने बहुत सारे मेरे वीडियोज में देखा होगा, मैं बीच बीच में ऐसे कुछ व्हाइट कलर का उठाता हूँ और उससे रब करने लग जाता हूँ अपनी ड्राइंग को, ये वही है। और आप लोगों ने जैसे देखा ये कुछ ऐसे दिखते हैं, डर्बन को बहुत सारे कंपनीज के अवेलेबल है। क्रेटा कलर में जो फर्स्ट ब्लेंडिंग स्टम था वो क्रेटा कलर का ही था, और ये तो मैंने अभी लेटेस्ट बाय की है, बाय करते ही काले हो गए बिल्कुल, तो ये मैं लेटेस्ट बाय किया था। आपने जैसे देखा होगा एक ब्लॉग में मेरे, आप देख सकते हैं ऊपर का आइकन है, उसमें आप लोग कर सकते हैं क्लिक, उसमें देख सकते हैं मेरा ब्लॉग। और थैंक्स फॉर 50 सब्सक्राइबर्स, और हम लोग 60 कब पहुंचेंगे, फिर स्पेशल वीडियो आएगी, 60 पहुंचा दीजिए स्पेशल वीडियो। और मैं इस बार कुछ अलग सोच रहा हूँ अच्छी तरह, पिछली बार की तरह नहीं, तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ। सो मैं नेक्स्ट जो चीज यूज करता हूँ वो है एक मेकअप ब्रश। हाँ, मेकअप ब्रश, नॉर्मल ब्रश क्यों नहीं, क्योंकि नॉर्मल ब्रश होते हैं बिल्कुल, मतलब तो हल्के होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब उसे आप पेंटिंग में अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेकअप ब्रश होते हैं वो होते हैं हार्ड, थोड़े से बोल्ड होते हैं आगे से, थोड़ा सा अच्छा होता है। आपको दिखाता हूँ, या मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ऐसे ब्रश खरीदिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे दिखने में ऐसे, क्यों, क्योंकि इससे बिल्कुल फर्स्ट क्लास ब्लेंडिंग होती है। इसको मैं ज्यादा यूज करता हूँ चारकोल को करना है, क्योंकि ब्लेंडिंग शब्द चारकोल को मत कीजिएगा, क्योंकि वो ज्यादा फिर अच्छा लुक नहीं देता। फिर मैं तो ऐसे ब्रश यूज करता हूँ चारकोल के लिए, एक चारकोल की वीडियो भी आएगी जल्द, तो उसके लिए वेट करिए। तो ये कुछ ऐसे देखने में, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में बोले तो नॉर्मल सा एक मेकअप ब्रश ले दीजिए, आपको 2 का पैक मिलेगा, एक छोटा मतलब एक टाइप का तो रबर टाइप और एक ये, तो आप वो बाय कर लीजिए, 50 रुपीज हर जगह मिलेगा आपको, 50 रुपीज का मैंने 2 पैक खरीदे, 50 हर जगह 50 प्राइस है इसकी, तो ये मैंने खरीदा। आपने भी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा मैं इससे रब कर रहा हूँ, मुझे तो ज्यादातर पसंद है ब्लेंडिंग स्टम, पेपर, टिश्यूज, ये सब। सो जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज वो मतलब कहीं मिल नहीं सकती, मतलब हाँ मार्केट में नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती, वो है आपके बॉडी में फिंगर। यस, सारे जितने भी बिगिनर्स होते हैं सारे फिंगर से पहले रब करते हैं, और फिंगर से भी कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है, जैसे कि फिंगर से कभी आप रब करें कभी कभी खराब होता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी फिनिश आती है। फिंगर भी एक टाइप का ब्लेंडर ही है कुछ बिगिनर आर्टिस्ट के लिए, कभी कभी करते हैं वो लोग, तो ये तो बाय नहीं हो सकता, तो इसे भी साइड में रखते हैं ब्रश को। नेक्स्ट है, ये आपके घर में अवेलेबल है, तो घर में कहीं बाय भी कर सकते, तो उसका नाम है टिश्यू पेपर और पेपर टॉवल। तो ये कुछ ऐसे दिखने में जिनको नहीं पता, सबको ही पता होगा ऐसे, लेकिन ये आप देख सकते हैं टाइप के पेपर टॉवल टाइप है, ऐसे कुछ रफ फिनिश वाले आप लोग लीजिएगा, रफ वाले, तो रफ फिनिश से क्या होता है आपका जब पेपर भी रफ हो तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये, आप लोग हर जगह इसको यूज करते हैं, स्पेशली क्या बोलते हैं ऑयल पेस्टल्स में आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा ब्लेंड होगा। आपने जैसे देखा होगा राजस्थानी पेंटिंग की थी मैंने एक राजस्थानी ऑयल पेस्टल में, ऊपर वाले वापस से लिंक, तो उसमें मैंने
इनका ही यूज किया था ब्लेंडिंग का, किसी चीज का यूज नहीं किया था। तो इसको मैं इस साइड में रखता हूँ। नेक्स्ट चीज है वो है कॉटन बर्ड्स और ईयरबर्ड्स। चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये है 26 रुपीज का आपको ये पैक मिल जाएगा, ये आप लोग खरीद सकते हैं। टैप से मैं आपको पैक दिखा देता हूँ जिनको नहीं पता कहाँ से खुलता है ये, कहाँ गया इसका खोलने वाला, कहाँ इसका, अरे 2000 years later. So guys, finally, मुझे पता चल गया कहाँ से खुला। मैंने कल ही खरीद के इसको लाया था, भूल गया कहाँ से खुलता था। तो सिंपल तो मैं देखा भी नहीं, ये खुल गया। तो ऐसे होता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर 100 स्टेम्स और 200 कॉटन बर्ड्स है। तो चलिए एक निकालता हूँ मैं, और देख सकते हैं ये है वो जिससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। आईज में ब्लेंड कर सकते हैं आप लोग, ऑयल पेस्टर के आईज में ब्लेंड कर सकते हैं, हर जगह से ब्लेंड कर सकते हैं इसको। चारकोल को छोड़ के आईज, आई बॉल्स होती है उनके लिए बेस्ट है, मतलब उनके साइज का होता है, उनको शेप का होता है, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करते हैं। कॉटन से आप लोगों को पता है वो बड़ा बहुत ज्यादा अच्छा ब्लेंड होता है, और कॉटन भी है, लेकिन मैं आपको ये करता हूँ रिकमेंड क्योंकि कॉटन से कभी कभी खराब हो जाता है। तो ये चार मैं आप लोग देखते होंगे, मैं कभी कभी यूज करता हूँ इन सबको, मेरे ये चार फेवरेट हैं। फिंगर को छोड़ के बिगिनर्स पता नहीं, मैं तो नहीं करता इस क्योंकि इनसे कभी खराब हो, तो मुझे आपको ड्राइंग्स खराब नहीं करनी। और आप लोगों को जैसे होगा कि मैं सिर्फ चारकोल का बता रहा हूँ, पेंसिल्स का बता रहा हूँ, पेंसिल कलर का बता रहा हूँ, तो मार्कर्स में क्या होता है, हाँ मार्कर्स में क्या ब्लेंड करते हैं। सो गाइस, आपको इन्फॉर्म करना है कि मार्कर्स का कोई भी ब्लेंडर नहीं होता। मार्कर्स में आपको ऐसे ब्लेंड करने की पहले उसमें लाइट कलर दो, फिर उसके ऊपर उसके मतलब लाइट टू डार्क जाते रहे, उसमें ब्लेंड होते रहेगा। और जैसे कि पेंसिल में कभी आप लोग नहीं करते कलर पेंसिल में, पहले एक कलर फिर उसके ऊपर पाइल अप कर करके एक मिक्सर बन जाता है, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, वैसे ही आप लोग मार्कर में कर सकते हैं, अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्रेजी जिराफ वो वाली ड्राइंग भी मैंने इसी मेथड से करी है, तो बहुत अच्छा बना। मुझे ऐसे आती तो नहीं थी पहले ब्लेंडिंग, मैंने कुछ और ज्यादा यूट्यूबर्स का देखा तो उनसे मुझे पता चल गया कि इसको कैसे करते हैं ब्लेंड, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, हम लोग 60 सब्सक्राइबर पहुंच सकते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए, और हो सके तो फेसबुक, और इन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज चेक इट आउट। और कुछ दिनों बाद शायद से मेरा सर्च बार में भी मेरे साथ चैनल का नेम आ सकता है, क्योंकि मैंने कुछ करा है जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऐसे मैंने कुछ जुगाड़ किया है। तो आपको जब भी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने सारे सोशल नेटवर्क्स में शेयर कर दीजिएगा, और एक कमेंट भी लिखिए प्लीज। कोई भी आजकल कमेंट नहीं लिखता ड्राइंग वीडियोस को छोड़ के, मतलब अजीब सा लगता है कि इतने ज्यादा दूसरों के कमेंट्स और मेरे में जीरो, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो हाउ इट इज वीडियो, मतलब कैसी थी ये वीडियो। सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई तो याद रखना सब्सक्राइब मेन है, सब्सक्राइब क्योंकि हम लोग 60 पहुंच सकते हैं, मेन है वो सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।